हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको फलों के नाम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी उन्हें क्या कहते हैं ये बताने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलो बच्चों सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको फलों के नाम हिंदी में और फिर उस फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बताते हैं। तो सबसे पहले आता है लाल लाल सेब का नंबर। तो सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो आप सबको पता ही होगा, इसे कहते हैं एप्पल। आपने अपने बड़ों को कहते सुना ही होगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो आज से आप हर रोज एक एप्पल जरूर खाएंगे। ओके बच्चों, उसके बाद आता है आम का नंबर। तो आम को क्या कहते हैं मैंगो। ये सब तो आप जानते ही होंगे कि आम फलों का राजा होता है। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। ये ज्यादातर गर्मियों में मिलता है। फिर आता है संतरा। संतरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया है ना। तो संतरे को क्या कहते हैं ऑरेंज। फिर आता है केला। केले के फायदे तो आपको पता ही होंगे कि ये हमें बहुत सारी ताकत देता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो इसे क्या कहते हैं बनाना। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फल हैं। चलो देखते हैं उन्हें हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये है तरबूज। बाहर से हरा अंदर से लाल लाल, क्यों है ना मजेदार। इसे कहते हैं वाटरमेलन। तरबूज वाटरमेलन। ये है खरबूज, गोल गोल मीठा मीठा। इसे कहते हैं मस्कमेलन। खरबूज मस्कमेलन। ये है अंगूर, छोटे छोटे हरे हरे रस से भरे भरे। इन्हें कहते हैं ग्रेप्स, अंगूर ग्रेप्स। ये है अमरूद, हरा हरा बीजों से भरा भरा। इसे कहते हैं ग्वावा, अमरूद ग्वावा। अब ये कौन सा फल है, ये है अनानास। इसे कहते हैं पाइनएप्पल, अनानास पाइनएप्पल। ये कौन है जो दिखने में तो लाल लाल है पर थोड़ा सख्त है, जरा देखें तो इसके अंदर क्या है। इसके अंदर तो लाल लाल दाने हैं। तो ये है अनार। इसे कहते हैं पोमोग्रेनेट, अनार पोमोग्रेनेट। ये है नाशपाती। ये बहुत हेल्दी होता है, इसे जरूर खाना चाहिए। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं पियर, नाशपति पियर। ये है पपीता, पीला पीला पपीता। इसे कहते हैं पपाया, पपीता पपाया। बच्चों ये क्या है, आड़ू। छोटा है पर मजेदार है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पीच, आड़ू पीच। ये कौन सा फल है, ये है कीवी। इसे इंग्लिश में भी कीवी ही कहते हैं, कीवी कीवी। अब ये कौन सा फल है जो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, ये है शरीफा। इसे कहते हैं कस्टर्ड एप्पल, शरीफा कस्टर्ड एप्पल। ये है लाल लाल चेरी। इसे इंग्लिश में भी चेरी ही कहते हैं। तो बच्चों हमने इस वीडियो में आपको फलों के नामों के बारे में बताया कि उन्हें इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि किस फल को क्या कहते हैं। एप्पल सेब, मैंगो आम, ऑरेंज संतरा, बनाना केला, वाटरमेलन तरबूज, मस्कमेलन खरबूजा, पियर नाशपाती, पपाया पपीता, पीच आड़ू, गुआवा अमरूद, पाइनएप्पल अनानास, पोमोग्रेनेट अनार, कीवी कीवी, कस्टर्ड एप्पल शरीफा। तो देखा आपने,
हमारी तरह फलों के भी नाम होते हैं। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्जियों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आपको सब्जियों के नाम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं ये बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो बच्चों, ये है आलू। आलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटैटो। पोटैटो तो आप सबको पसंद ही होगा, पोटैटो आलू। तो आगे बढ़ते हैं। ये है टमाटर, इसे कहते हैं टोमेटो। तो बच्चों, आपको केचप तो बहुत पसंद होगा, तो आपको पता है वो किससे बनता है? वो बनता है लाल लाल टमाटर से। तो टमाटर को क्या कहते हैं? टोमेटो। टमाटर टोमेटो। इसके बाद आता है प्याज, इसे कहते हैं अनियन। आपको पता है ये मम्मी को बहुत रुलाता है? नहीं नहीं, परेशान नहीं करता, बस जब इसे काटते हैं तो थोड़ी सी मिर्ची लगती है आंखों में। तो अगली बार जब आपकी मम्मी प्याज काट रही हो तो उनके पास जाकर खड़े हो जाना, फिर देखना क्या होता है। अनियन प्याज। अब ये क्या है? ये है मटर, इसे कहते हैं पीस। ये बहुत हेल्दी होती है, हमें इसे जरूर खाना चाहिए। पीस मटर। ये है भिंडी, इसे कहते हैं लेडी फिंगर। ये है शिमला मिर्च, इसे कहते हैं कैप्सिकम। ये है करेला, इसे कहते हैं बिटर गॉर्ड। ये है लौकी, इसे कहते हैं बोटल गॉर्ड। ये है पत्ता गोभी, इसे कहते हैं कैबेज। पत्ता गोभी कैबेज। ये है फूल गोभी, इसे कहते हैं कॉलीफ्लावर। फूल गोभी कॉलीफ्लावर। ये है बैंगन, इसे कहते हैं ब्रिंजल। बैंगन ब्रिंजल। ये क्या है? ये है गाजर, इसे कहते हैं कैरेट। कैरेट गाजर। ये मूली है, इसे कहते हैं रेडिश। मूली रेडिश। ये क्या है बड़ा बड़ा सा? इसे कहते हैं कटहल। और कटहल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैक फ्रूट। कटहल जैक फ्रूट। ग्वार फली, इसे कहते हैं क्लस्टर बीन्स। ये गोल गोल क्या है? ये है टिंडा, इसे कहते हैं राउंड गॉड। टिंडा राउंड गॉड। ये है अदरक, इसे कहते हैं जिंजर। अदरक जिंजर। ये क्या है? ये है चुकंदर, इसे कहते हैं बीटरूट। चुकंदर बीटरूट। ये क्या है? ये तो आप सबको बहुत पसंद होगा और ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो ये क्या है? ये है खीरा, इसे कहते हैं कुकुम्बर। खीरा कुकुम्बर। ये है पालक, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पिनिच। पालक स्पिनिच। ये है शलगम, इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्निप। ये है परवल, इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंटेड गॉर्ड। ये है कद्दू, इसे कहते हैं पम्पकिन। कद्दू प।
पम्पकिन। तो बच्चों ये थे सब्जियों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हमें पता है बच्चों अब तो आपको सारी सब्जियों के नाम लगभग आ ही चुके होंगे। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। आलू पोटैटो, टमाटर टोमेटो, अनियन प्याज, पीस मटर, शिमला मिर्च कैप्सिकम, भिंडी लेडी फिंगर, करेला बिटर गॉर्ड, लौकी बॉटल गॉर्ड, पत्ता गोभी कैबेज, फूल गोभी कॉलीफ्लावर, बैंगन ब्रिंजल, गाजर कैरेट, मूली रेडिश, कटहल जैक फ्रूट, ग्वारफली क्लस्टर बीन्स, टिंडा राउंड गॉर्ड, अदरक जिंजर, चुकंदर बीटरूट, खीरा कुकुम्बर, पालक स्पिनिच, शलगम टर्निप, परवल पॉइंटेड गॉर्ड, कद्दू पम्पकिन। ओके बच्चों फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।